इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को कहीं का ना छोड़ा। मौशी बहरान और नाकिस खारजा पॉलिसी से दोस्त ममालिक का भी एतबार उठ गया। सऊदी अरब, दुबई और दीगर ममालिक ने पाकिस्तान को डॉलर देने पर मोहतात रवैया अपना लिया। नून लीग हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां और पाकिस्तान को दिवालिया होता देखकर दोस्त ममालिक ने भी मुंह मोड़ लिए। ब्लूमबर्ग ने खतरे की घंटी बजा दी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खुद इस बात का बड़ी ढिठाई से इतराफ किया कि इनका कहना है पाकिस्तान को डॉलर देने वाले ममालिक बहुत ज्यादा मोहताज हो गए हैं। इस हुकूमत के कारनामों की वजह से सऊदी अरब, दुबई जैसे दोस्त ममालिक कभी पाकिस्तान से एतबार उठा, जबकि दीगर ममालिक भी अब कहते हैं कि पहले IMF के पास जाओ। गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग ने वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल के इंटरव्यू का हवाला देते हुए लिखा कि इनके मुताबिक सऊदी अरब, दुबई और दीगर ममालिक जो पहले पाकिस्तान को डॉलर फराहम करते थे अब बहुत ज्यादा मोहताज हो गए और हमसे कहते हैं कि हमें पहले IMF के पास जाने की जरूरत है। करप्ट टोले के करतूतों की वजह से पाकिस्तान अब IMF के आगे नाक रगड़ने पर मजबूर हो गया। ब्लूमबर्ग भी इस बात की गवाही दे रहा है। वजीर खजाना ने एक ही रट लगाई हुई है, IMF और सिर्फ IMF। इन लुटेरों ने मुल्क की ये हालत कर दी है। सऊदी अरब, दुबई जैसे ब्रादर मुल्क हमसे मशरूत तौर पर बातचीत या मुआहदा करने का इजहार कर रहे हैं। इस हुकूमत ने पाकिस्तान की जग हसाई कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने बुरे हालात होंगे, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मिफ्ता इस्माइल ने अवाम को तसल्ली तो दी है कि वो दोस्त ममालिक को मनाने में कामयाब हो गए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि IMF के बगैर ये डील भी अधूरी होगी। और दूसरे मुल्कों से बात की तो वो मशरूत तौर पर रकम देने को तैयार हो गए, मगर कहते हैं पहले IMF फिर आगे बात होगी। मतलब कि इस हुकूमत ने हमें IMF का मोहताज कर दिया। खबरों में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान जून में IMF के साथ मुआहदा करने की कोशिश कर रहा है और शहबाज हुकूमत ने IMF को खुश करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 30 रुपए का इजाफा कर दिया है, जिससे आवाम शदीद परेशानी का शिकार है। दूसरी जानिब मुल्क में गैर जरूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी ने लोगों को दोहरी अजियत में डाल दिया और सरकारी अफसरान को करप्शन की खुली छूट मिल गई है और मईशत तबाही के दहाने पर पहुँच गई है। वाज़ह रहे कि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा जून में हो जाएगा, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्कियाती बैंक भी रकम देंगे। वजीर खजाना ने बताया कि IMF से मुज़ाकरात के हवाले से दोहा में होने वाले मीटिंग में निजकारी पर कोई बात नहीं हुई। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा जून में हो जाएगा, ये मुआहदा बहुत अहम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।